अस्सलाम वालेकुम। हम कैमरे जो लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम ऑडरी सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ऑडरी सिम्पसन की बुक कंप्लीट कोर्स को एक ही किताब में कवर कर लेती है, जिससे कि आसानी होती है, बहुत सारी किताबें नहीं पकड़नी पड़ती हैं और इसकी एग्जाम सेल क्वेश्चन भी अच्छे हैं। शुरू करते हैं। चैप्टर 10 हम कर रहे थे, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। सारे ऑप्शन हमने देख लिए हैं, अब हम इसकी एग्जाम स्टाइल और मिक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, तो इसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ये सारे पीछे से जब तक हम कर चुके हैं वही वाले सवाल हैं, फटाफट करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अब समझाने की ज़रूरत तो है नहीं, वो तो पीछे मैं एक्सरसाइज में समझा चुका हूँ। इसमें रोटेशन चाहिए और मिरर चाहिए, दो काम करने हैं। तो मिरर की लाइन दी हुई है, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये डॉट ले लिया, इसको काम करते हुए 4 के बाद ये डॉट ले लिया, 1 2 3 4 इसके 4 के बाद ये डॉट ले लिया, बन गया। ईता से रोटेशन का पॉइंट इन्होंने ये दिया हुआ है, यहाँ पे रख के ट्रेस कीजिए, ट्रेस करके यहाँ से घुमा दीजिए। तो जब यहाँ से घुमाएंगे, कितने डिग्री घुमाना है भाई? 180 डिग्री। तो क्लॉकवाइज घुमाएं एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, बात एक ही है। तो अगर ये हमारी एक्सिस है, एक्सिस बना देते हैं जहाँ पे के ये एक एक दो तीन चौथे पे आ रहा है वाई एक्सिस पे, और यहाँ दो नीचे जा रहे हैं एक्स एक्सिस पे। तो जब ये 90 डिग्री घूमा और 90 डिग्री घूमा, तो ये ऐसे बनेगा, दो ऊपर आएगा एक्स एक्सिस पे, दो ऊपर आएगा एक्स एक्सिस पे, और चार नीचे जाएगा वाई एक्सिस के, 1 2 3 4 नीचे जाएगा वाई एक्सिस के, और जो ऊपर आएगा उससे लेफ्ट पे चार गया होगा, 1 2 3 4। तो मैं चूँकि ट्रेसिंग पेपर के बगैर बना रहा हूँ, तो मैं ये कर रहा हूँ, आप ट्रेस करके कर लेते तो ये बहुत आसानी से हो जाता है। ये बनेगा, बहरहाल बना के बना इसलिए रहा हूँ ताकि आपको चेक करना आसान हो कि हाँ भाई यही बनाया आपने। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। वह ऐसे आसान आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसका पार्ट भी देखते हैं। इन लार्ज करना है, सेंटर ये ले लिया, अब सेंटर से 1 2 3 4 दूर है, ये 1 2 3 4 5 6 दूर है, स्केल फैक्टर 3 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक तो ये पॉइंट आ गया। फिर एक ये कितना था, 6 था, तो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पूरा ही बन गया है, तो ये पूरा ही बन गया। ठीक है, ये बना और ये बना और ये बन गया, लार्ज हो गया भाई। ट्रांसलेट करना है बी को 4 और 3 के कोऑर्डिनेट्स में, तो ये पॉइंट जो है ये 4 1 2 3 1 2 3 4 इधर जाएगा, 1 2 3 इधर जाएगा, तो ये पॉइंट तो यहाँ आ गया, ये पॉइंट जो है वो 1 2 3 4 इधर जाएगा और 1 2 3 इधर जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ गया, और ये पॉइंट जो है वो 1 2 3 4 इधर जाएगा, 1 2 3 इधर आएगा। हो गया भाई, ट्रांसलेट हो गया। ठीक है, आप कह रहे होंगे यार ये सही आ गया, एक्सरसाइज आसान वाली। क्वेश्चन नंबर 1 डन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने बहुत बड़े बड़े से हैं, लेकिन काम थोड़ा थोड़ा सही है। कॉपी द डायग्राम, डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स ए इंटू बी, ए से बी में कैसे गया होगा। तो देखें, अगर ये खाली रोटेट होता तो ये नोक इधर ना आती, तो ये मिरर हो रहा है, और मिरर के चक्कर में जब भी पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, हमेशा उसको ट्रेस करके चेक करेंगे कि किस लाइन से मिरर हो रहा है। ठीक है, तो मैं चूँकि देख के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप उसको ट्रेस कर लीजिएगा। तो हम कह सकते हैं पॉइंट 1, ए इंटू बी जो है वो क्या हो रहा है, इट इज़ रिफ्लेक्टिंग इन द लाइन ए, रिफ्लेक्टिंग इन द लाइन, कौन सी लाइन है ये, ये एक्स इज इक्वल्स टू वाई वाई लाइन है, या वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई लाइन है, y इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है,
अच्छा जी, दूसरा सवाल है, बी ऑन टू सी क्या हो रहा है? बी और सी देखें, ये मिरर हैं, ये रोटेट नहीं हो रहे, मिरर हो रहे हैं, ये रिफ्लेक्शन नहीं है, सॉरी। हाँ ये भी मिरर है और ये भी मिरर है, रोटेशन नहीं है, तो ये है रिफ्लेक्शन इनटू लाइन। लाइन कहाँ है वो, तो देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, इस लाइन पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसलिए मिरर की लाइन है। तो वो कितनी है, ये है y इज इक्वल्स टू -1 वाली लाइन है, हॉरिजॉन्टल है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनती है, तो y इज इक्वल्स टू कोई एक नंबर हो जाता है जो भी उसका इंटरसेप्ट होता है। तो ये हो गया। और तीसरा क्या है, इनलार्ज डी स्केल टू फैक्टर सेंटर ऑफ द ओरिजिन, यहाँ से डी को इनलार्ज कर दो, डबल कर दो। पॉइंट नंबर ए, यहाँ से 1 और 2 डायगनल है, तो 1 2 3 4, पॉइंट नंबर ए हमारा ये आ गया। पॉइंट नंबर बी, यहाँ से 1 2 3 4 वाई में आया और 2 एक्स में आया, तो 8, 1 2 3, 8 वाई में और 1 2 3 4 एक्स में आ गया, ये वाला पॉइंट हो गया। और आखिरी वाला पॉइंट 4 एक्स में आया है और 4 वाई में गया है, यानी माइनस में वाई में गया है और माइनस में ही एक्स में आया है, तो 4 का 8 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया, यहाँ से भी 8 हो गया और यहाँ से भी 8 हो गया। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए इसके बड़े होने के। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं है मेरे इसको सॉल्व करने की, लेकिन ये कि आप चेक करने के लिए करते रहे। लेबल द इमेज ई, ये ई हो गया। अब क्या करें, रोटेट बी, बी को रोटेट करें 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सेंटर द ओरिजन, ओरिजन पे रख के बी को घुमा दीजिए, कितना, 90 डिग्री, और उस इमेज को एफ बना दें। तो मैं ज़रा ये गायब करके ना साफ सुथरा करता हूँ जी। अब ये बी ओरिजन है, तो इसका मतलब है कि ये हमारी बनेगी रेफरेंस एक्सिस, जो एक्चुअली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ही है ना, रोटेशन के लिए जब आपका पॉइंट दिया होता है उससे आप एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल अपनी फ्रेम बनाते हैं। अब इसको कितना घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज, इधर 90 डिग्री, तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि वाई एक्सिस के 2 छोड़ के ऐसा चल रहा होगा, तो और नीचे से तीसरे नंबर पे होगा, ये होगा ऐसा कुछ 1 तक आया होगा, ये आप खुद कर लीजिएगा, जाहिर है आपके पास ट्रेसिंग पेपर इसमें इफेक्टिवली यूज हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको फॉर रेफरेंस दिखा रहा हूँ कि ये कुछ ऐसी चीज़ बनेगी। ठीक है, तो ये तो रोटेशन जब भी आएगी, जैसी रोटेशन है फटाफट ट्रेसिंग पेपर बाहर निकाल लिया करें। नेक्स्ट लो, क्वेश्चन 2 भी हो गया। अब आते हैं एग्जाम के पेपर्स क्वेश्चंस पे, इसको ज़रा डिलीट कर दें, चीज़ों को क्लियर कर दें ताकि साफ सुथरा काम हो सके। हियर वी आर, ओके, क्वेश्चन नंबर 3, डायग्राम शोज 2 ट्राइंगल्स ए एंड बी, फिर क्या करें, करना क्या है, ये तो अगले पेज पर चलेगा। अगला पेज बता रहा है, राइट डाउन द वेक्टर दैट रिप्रेजेंट द ट्रांसलेशन दैट मैप्स द ट्राइंगल ए इन टू ट्राइंगल बी। ट्राइंगल ए से बी में गया है तो कैसे गया है, तो बहुत आसान है, यहाँ से यहाँ गया है, तो उसमें 1 2, अच्छा 2 मिला के 1 बन रहा है, याद रखिएगा। तो अब हम डब्बों की बात नहीं करेंगे, हम लिखना होगा तो हम नंबर्स में लिखेंगे, तो ये 1 है 2 3 4 यूनिट्स ये वाई एक्सिस पे ऊपर गया है, और एक्स एक्सिस पे क्या गया है, पीछे गया है, 1 2 और 2.5, 2.5 यूनिट्स ये एक्स एक्सिस पे पीछे, 2.5 ही गया ना, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 2.5,
तो 2.5 और 4 बन रहा है। अच्छा बुक में शायद आप देखिएगा आपका जवाब खाली 2 आ रहा होगा, वो सही नहीं है, 2.5 ही है, साफ साफ दिख रहा है। अच्छा जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे पूछ रहे हैं कि ट्राइंगल सी इज एन एनलार्जमेंट ऑफ एंगल ट्राइंगल ए विद सेंटर 5.3। जरा सेंटर 5.3 पहले मार्क कर लें हम, 4। अब 5 तो है ही नहीं इसमें, ये कुछ अजीब बात है। दोबारा देखें सवाल, ट्राइंगल सी इज एनलार्जमेंट ऑफ ट्राइंगल ए विद सेंटर 5.3, स्केल फैक्टर इज 3, ऑन अ कॉपी ऑफ द डायग्राम ड्रॉ एंड लेबल ट्राइंगल सी। ओके मतलब इस पे आ नहीं सकेगा इसलिए कह रहे हैं बस 5.3 के रेफरेंस से, के सेंटर से इन्होंने इसको 3 फैक्टर पे लार्ज कर दिया, बस वो हम कर लेते हैं। कौन सी ट्राइंगल को, ट्राइंगल सी ए की, ए को 5.3 फैक्टर ऑफ 3, 5.3 फैक्टर ऑफ 3। तो लेट्स डू दिस। अच्छा मैं इसको ऊपर वाले सवाल को देखे जा रहा हूँ, ये सवाल नीचे है, तो 5.3 तो मिल गया ना हमें इस पे, ये रहा, यहाँ से चलेगा, और फैक्टर ऑफ 3 से इंक्रीज करना है। ओके अब जाहिर है ये इससे दूर है ये जगह, तो इंक्रीमेंट इधर ही होगा, ये बस एक ट्रिक है इसमें कि ये 1 2 3 4 5 6 7 है। अब फैक्टर ऑफ 3 का मतलब है कि 21 होना चाहिए, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये जो है वो 1 2 3 4 डायगनल्स आगे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 4 12, फैक्टर ऑफ 3 बढ़ गया ये, फैक्टर ऑफ 3 बढ़ गया ये रह गया। दिस इज़ इफ़ यू कैन सी 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से 21 हो गया और 4 से 8 हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा कुछ गड़बड़ की है हमने, 1 2 3 4, अच्छा 8 नहीं 16 होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 होगा, 12 3 टाइम्स बड़ा है भाई, 3 टाइम्स बड़ा है तो 4 3 12 होगा, ये बन रहा है। बहरहाल आपको समझ में आ गया कैसे बन रहा है, यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है उसको 3 टाइम कर दिया, यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है उसको 3 टाइम कर दिया, यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है उसको हमने ऐसे और ऐसे में तोड़ के 3 टाइम्स कर दिया, तो ये हमारा बन गया। थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन ये हुई कि सवाल डायग्राम किसी और पेज पे थी और सवाल किसी और पेज पे, तो थोड़ा सा उसकी वजह से मुश्किल हो रही थी, बाहर निकल गया, मसला हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए, ओके क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहे हैं, एक इन्होंने लाइन दी हुई है जो 3 में से गुजर रही है, y इज इक्वल टू x प्लस 3 लाइन है ये, क्योंकि इंटरसेप्ट 3 है और रेशो सेम है, तो y इज इक्वल टू x ही है, 1:1 से बढ़ रहा है स्लोप। द ग्रिड शोज द ट्राइंगल ए एंड द लाइन एल, एल इज y इज इक्वल टू x प्लस 3, ठीक है ये तो हम पीछे निकालना सीख चुके हैं कि लाइन की ये कैसे निकाली जाती है स्लोप और इंटरसेप्ट से, 1:1 के रेशियो से बढ़ रहा है तो इसलिए 1x होगा, और 3 पे कट कर रहा है लाइन को तो इसलिए प्लस 3 होगा,
द ग्रिड शोज ओके ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल बी बाय रिफ्लेक्शन इन लाइन एल ड्रॉ एंड लेबल ट्राइंगल बी। अब इसके ऊपर से रिफ्लेक्शन कर दें 1 2 1 2 3 1 2 3 ऐसा चलेगा। तो ये बनेगा जनाब 4 का ए। ये जो रिफ्लेक्शन है ये डायगोनल, वर्टिकल नहीं है या हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो डायगोनल्स में गिनेंगे एक और आधा, तो आधा और एक यहाँ आएगा जनाब ये वाला पॉइंट। ये ख्याल रखिएगा ये स्ट्रेट नहीं गिनना चाहिए था क्योंकि ये तो डायगोनल में मिरर करता है। ये यहाँ से एक और एक दो, तो एक और एक दो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट, ये यहाँ से एक दो ढाई आधा डेढ़ ढाई ये आ गया, ठीक है ये पॉइंट। तो ये हो गया इसका इस लाइन के ऊपर मिरर, सही है जी। इसको बी कह दीजिए, गंदा सुंदा हो रहा है थोड़ा सा, ज़ाहिर है मेरे पास स्केल नहीं है। तो ट्राइंगल ए इज मॉप्ड, अच्छा मैप्ड, ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल सी बाय क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 90 डिग्री। अच्छा कहाँ से करें, सेंटर 0.3 0.3 ये सेंटर बनाते हुए आप पहले एक्सिस बना दें, ठीक है, उसके बाद इसको कहाँ करें क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दें, ये ऐसे, तो यहाँ कहीं आएगा यानी नीचे आ जाएगा, यहाँ नेचुरली था सेकंड क्वाड्रेंट में, ये हुआ तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो अब मैं अपने अंदाजे से बना रहा हूँ कि थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसा देखेगा, लेफ्ट पे जाता हुआ थर्ड क्वाड्रेंट में एक दो तीन छोड़ा, एक दो तीन छोड़ा, फिर एक छोड़ा, फिर ऊपर वाले से दो आगे बढ़ाए और लाइन मिला दी, ठीक है। आप जब बना लें तो कुछ ऐसी डायग्राम बनेगी, सही है। फिर ट्राइंगल सी इज मैप्ड इनटू ट्राइंगल डी बाय रिफ्लेक्शन इन द लाइन एल, इसका नाम क्या था, सी था। अब सी जो है वो डी में मैप किया जा रहा है एक रिफ्लेक्शन के थ्रू, लाइन एल ही की रिफ्लेक्शन है, एल ही लाइन दी हुई है, डी पहले से तो मौजूद नहीं हमारे पास, नहीं ए बी सी मौजूद है। तो रिफ्लेक्ट कर लेते हैं पहले इसको, पहले सी को डी पे रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, डायगोनली रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये पॉइंट यहाँ है तो ये पॉइंट यहाँ होगा, ये पॉइंट एक और आधा यहाँ से करेंगे जी, तो आधा और एक ये रहा, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट एक और एक दो, एक और एक दो, ठीक है। स्केल रख के करेंगे ना ज़्यादा अच्छा होगा, स्केल से ये डायगोनल मेजर डायगोनल को रख के निकालना आसान होता है, ठीक है। तो ये मैंने डी बना दिया, दिस इज डी। नाउ देयर आस्किंग डिस्क्राइब द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल बी इंटू ट्राइंगल डी। अगर B से D बनाना हो तो क्या लग रहा है, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह उधर है, ये देखिए ये रोटेट तो नहीं हुआ है ना, क्योंकि अगर ये रोटेट होता
तो यूं होता, ये तो मिरर हुआ है कुछ, ऐसे ही लग रहा है मुझे तो। या हुआ है रोटेट, ओ यस, ये यूं रोटेट हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो आप रोटेशन की बात आएगी, आपको तो सीधा एक ही काम करना है, ज्यादा सोचना तो मेरा काम होता है। आप जो है वो ट्रायंगल बी को बनाएंगे एक ट्रेसिंग पेपर पे, ट्रायंगल डी को बनाएंगे ट्रेसिंग पेपर पे, उसके बाद बी को घुमा के देखेंगे कि कहाँ कहाँ रख के घुमाने से ये बी जाके डी पे बैठ रहा है, ये आप करके देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें ये पार्ट है 3। अच्छा, बी इंटू ट्राइंगल ए, ठीक है। अब जरा आप आंखें बंद करके देखिए, बल्कि मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आए। ये रहा डी और ये रहा बी, देखिए ये बी डी की जगह आ रहा है, ये देखें आप समझें कि यहाँ डी था, अब इसी जगह पे ये बी आ गया। ठीक है, तो ये रोटेट करने के लिए जगह बन रही है ना, वो ये पॉइंट बन रहा है, आप करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज है और 90 डिग्री है और 0.3 से रोटेट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वेक्टर है ए बी जो ए से बी की तरफ जा रहा है, -1 और 4, और सी डी है जो कि 3 टाइम्स ए बी है। राइट सी डी एज ए कॉलम वेक्टर, बहुत आसान है, 3 टाइम्स -1 और 4, 3 1 3 तो -3, 4 3 12, 12। तो इस सवाल इसके सारे आसान है। मेक टू स्टेटमेंट्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द लाइंस ए बी एंड सी डी। तो ए बी और सी डी पैरेलल हैं क्योंकि एक ही बेस से बने हैं, और सी डी जो है वो ए बी से 3 टाइम्स ज़्यादा लंबी है, ये बता दिया हमने, पीछे भी सवाल कर चुके हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द पॉइंट्स ए एंड बी आर मार्क्ड ऑन द डायग्राम, ए और बी मार्क हो गए, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, राइट ए से बी की तरफ जाता हुआ एक कॉलम वेक्टर, ए से बी की तरफ जाता हुआ, तो ए से बी पे जाने के लिए एक्स एक्सिस में 1 करना है और वाई एक्सिस में 1 2 3 3 ऊपर जाना है, यानी +3। अच्छा, एक्स एक्सिस में 1 पीछे आना है तो ये -1 होगा। -1 और वाई एक्सिस में प्लस में जाना है तो +3, ये हो गई बात। अगर बी सी -3 और -2 की तरफ जाता हुआ एक वेक्टर है तो राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो बी से पहले एक्स में -3 पे चलें, 1 2, अच्छा ये एक दो तीन, और एक्स में 3 माइनस आके वाई में 2 माइनस करना है, 1 2, तो ये रहा बी सी, इसके कोऑर्डिनेट हैं -1, -2, सॉरी -2, -1, एक्स पहले लिखते हैं ना, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर -2, -1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, देखने में सवाल बड़े बड़े हैं, सवाल इतने बड़े हैं नहीं। अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंड अ लाइन एल एंड अ पॉइंट ओ ग्रिड में नजर आ रहे हैं, नंबर्स नहीं दिए हुए, ग्रिड है बस खाली। मैथमेटिकल नेम बता दें क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का, तो इसको ट्रेपेजियम कहते हैं, ये तो अलग से ही सवाल है। कॉपी द ग्रिड अबव कर ली, ड्रॉ द इमेज ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी अंडर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन।
अब ए बी सी डी की ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ गया। ट्रांसलेशन 9 और 3 की बुनियाद पे ट्रांसलेट कर दो। सी पॉइंट लेते हैं, सी पॉइंट को 9 आगे बढ़ा देते हैं, 9 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9x में आगे बढ़ा, और -3 y में 3 नीचे आ गया, 1 2 3। तो ये रहा ये पॉइंट, ये रहा C, ठीक है। उसके बाद सारे ही पॉइंट्स ऐसे होंगे, चाहे तो आप ऐसे ही ले लें, 2 नीचे बना दें डायरेक्ट, चाहे तो ऐसे ही ना मार्क करें कि इसको आपने 9 गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 3 गिना 1 2 3, तो दूसरा पॉइंट ये मिल गया आपको। यही तरह चाहे तो आप इसको एक पॉइंट ऐसे ही ले लें, जैसे मैंने कहा भी था एक्सरसाइज सॉल्व कराने के दौरान, 1 2 3 3 ये लेफ्ट है, तो 1 2 3, ठीक है। तो आप डायरेक्ट एक पॉइंट से भी बना सकते हैं सुकून से, सही है। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, रिफ्लेक्शन इन द लाइन एल लेबलिंग दिस इमेज क्यू। एल पे रिफ्लेक्शन जो वर्टिकल है, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया, ये आ गया ये आ गया, चेंज कर लेते हैं कलर, ठीक है। रिफ्लेक्शन बन गई। इसका नाम क्या रखा हमने, पहले वाले का नाम रखा पी, रिफ्लेक्शन का नाम रखा क्यू, पी क्यू। रोटेशन सेंटर कहाँ लेना है, ए पे लेना है, थ्रू 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज। अब रोटेशन 90 डिग्री करनी है एंटी क्लॉकवाइज, और ये लेना है आपको अपना एक्सेस, तो ये यहाँ चला जाएगा, बड़ी लाइन वाई एक्सेस पे आ रही होगी 3, वहाँ से 2 एक्स एक्सेस पे जा रहे होंगे, 1 2 3, 1 2, कलर चेंज करो भाई, 1 2 3, 1 2, 1 नीचे, और ये आ गया, ठीक है। आपने तो ट्रेसिंग पेपर से करना है, तो आपको तो सही है, खुद ही सही आ जाएगा। इसको कोई नाम देना है भाई, आर नाम दे दो भाई, ये लो भाई आर भाई। फिर इनलार्जमेंट सेंटर ओ पे लेते हुए फैक्टर 3 से इनलार्ज करना है, ओके। ये यहाँ से 1x और 2y दूर है, तो इसको यहाँ पे जाना है 2x और 4y दूर, तो ये पॉइंट आ गया। अच्छा जी, ये यहाँ से 1 2 3 4x और 2y दूर है, इसको यहाँ पे जाना है 5 6 7 8 और 2, ये दूसरा आ गया, ये तो बन गया बॉटम। डबल ही करना है ना भाई, स्केल फैक्टर 3 है भैया, 3 गलत हो गया, हमने 2 से कर दिया। ओके, यहाँ से इसका सरण 1 है, उसका 2 है, तो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, ये बन रहा है पहला पॉइंट, ये है यहाँ से 1 2 3 4 और 1 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 1 2 3 4 5 6, ये बन रहा है दूसरा पॉइंट। ये पॉइंट है यहाँ से 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4, तो अब यहाँ से हमें जाना है 3 टाइम्स, 5 6 7 8 9 10 11 12
दोबारा देख लूँ, 1 2 3 4 हैं यहाँ से सर, तो 12 पे जाना है, 12 पे हम गए हुए हैं, और यहाँ से ऊपर कितना गया हुआ है, 1 2 3 4, तो यहाँ से ऊपर भी 12 जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मिल रहा है ये वाला पॉइंट। फिर वैसे तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ फैक्टर ऑफ 3 है तो 3 दफ़ा पे था जो 1 2 3, ठीक है भाई बनता जा रहा है, ये बन गया हमारा, ठीक है आप इसको चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, 8 पूरा इधर ही है उधर भी है कुछ, अरे यार उधर भी है कुछ, ये मुश्किल होती है, आधा सवाल इधर हो आधा सवाल उधर हो तो मुश्किल होती है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहे हैं, ट्रांजिशन ट्रांसलेशन है 6 और 3 और 3 और -4 को, तो पहले तो इसको सॉल्व तो कर लें, तो ये 3 और -1 बचेगा ऐड होके। ए ट्रांसलेशन इज गिवन बाय दिस, राइट दिस ट्रांसलेशन एज सिंगल कॉलम वेक्टर, राइट कर दिया भाई। फिर है ऑन अ कॉपी ऑफ द ग्रिड ड्रॉ द ट्रांसलेशन ऑफ अ ट्रायंगल ए यूजिंग दिस वेक्टर, ट्रायंगल ए कांगे ये रहा, इससे इस पॉइंट को 3 आगे बढ़ाओ, 1 2 3 और 1 नीचे कर दो, 1 नीचे कर दिया बस, बाकी 1 2 3 4 बाकी सेम ही है, 1 2 3 4 1 2 और ये मिला दो, ठीक है इसको कुछ नाम देना है, नहीं नाम नहीं देना, ये हमने इसकी कर ली ट्रांसलेशन, ठीक किया ना, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, और -1 तो -1, सारे पॉइंट्स ऐसे ही चेंज हो गए। अच्छा नहीं भाई ये तो वो दिया हुआ है, डब्बे थोड़ी करने, यही बस मैंने पहले भी कहा था कि गड़बड़ हो जाती है, डब्बे नहीं करने यूनिट्स करने, तो 1 यूनिट 2 डब्बे का है ये ख्याल रखना है, तो 1 2 3 और ये 1, तो यहाँ पे आ रहा है ये पॉइंट, अब ये बनेगा 1 2 3 4 का और ये बनेगा 2 का, अब ये ठीक हुआ, ठीक है जी डन हो गया। ऑन अ कॉपी ऑफ ग्रिड, ये तो हो गया। क्वेश्चन 8 के नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, क्वेश्चन 8 का नेक्स्ट पार्ट पूछ रहे हैं, अनदर ट्रांसलेशन इज गिवन बाय 2 × -1 और -1 ना, तो ये -2 और +2 हो जाएगा, एक्स में -2 वाई में +2, ओके एक्स में -2 वाई में +2, तो एक्स में -2 अब ये कैसे बनेगा, क्या ये कुछ पूछा तो नहीं अलग से, ज़रा चेक कर लें पीछे, अच्छा अभी पूछा है ऐसा वाला कि राइट दिस ट्रांसलेशन एज सिंगल कॉलम वेक्टर, ये तो कर दिया हमने, ऑन योर कॉपी ड्रॉ द ट्रांसलेशन ऑफ ट्राइंगल बी यूजिंग दिस वेक्टर, ट्राइंगल बी की ट्रांसलेशन है ये, अच्छा -2 और 2 ट्राइंगल बी को ट्रांसलेट करना है, बस ये देखना ये होता है प्रॉब्लम, एक -2 और 2 ट्राइंगल बी को ट्रांसलेट करना है, 2 पेज पे सवाल हो तो ये गड़बड़ होती रहती है। ये पॉइंट लिया, इसको -2 किया तो 1 और 1 2, -2 और 2 वाई में किया तो 1 और 1 2, ये आ गया ऊपर वाला पॉइंट, बाकी पॉइंट लेने की ज़रूरत है, बाकी पॉइंट लेने की मुझे तो ज़रूरत नहीं है, मैंने नाप लिया कि यहाँ से 2 हैं तो यहाँ से 2 छोड़ के बना दिया, नीचे से इसका तला 4 का है 4 का बना दिया, ट्रांसलेट ही करना है ना, इनलार्ज तो करना नहीं है,
फिर इसका पार्ट सी है कि डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स शेप सी इनटू शेप डी। ये सी से डी में किस उसूल के तहत गया, किससे पूछा गया? देखिए सी से डी जो है आप गौर कीजिए कि ये हमें इसके लिए सेंटर देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इनलार्जमेंट है और इनलार्जमेंट किसी रेफरेंस पॉइंट से होती है। वो रेफरेंस पॉइंट कैसे निकलता है मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को मिला लीजिए, स्केल लेना पड़ेगा। ये हो गया एक, इन दोनों को मिला लीजिए, ये हो गया दो, और इन दोनों को मिला लीजिए, ये और ये, तो ये हो गया तीन। स्केल गायब करते हैं तो देखते हैं कहाँ से गुजर रहा है भाई, ये गुजर रहा है 0 0 से। तो पहले तो हम कहेंगे इनलार्जमेंट है, सेंटर 0 0 है, ठीक है, सेंटर 0.0 है, और स्केल फैक्टर कितना है? ये एक है तो ये दो है, ये दो हैं तो ये चार है, तो स्केल फैक्टर 2 हो गया। चलो भाई ये भी हो गया, देखें अगला सवाल डी में। चलो डायग्राम चेंज हो गई, द ट्राइंगल इन द डायग्राम लेफ्ट इज आइसोसेलेस, दो साइड्स बराबर हैं, अपोजिट दो साइड्स। हाउ मैनी लाइन्स इन ऑफ द सिमेट्री डज दिस ट्राइंगल हैव। चलो ये तो दूसरे चैप्टर से ही सवाल आ गया लाइन्स ऑफ सिमेट्री का, लेकिन बहरहाल हम जवाब दे सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल सिर्फ एक ही जगह से रिपीट हो सकता है, ये है लाइन ऑफ सिमेट्री, बाकी कहीं से बराबर नहीं है, इसलिए एक लाइन ऑफ सिमेट्री है इसकी। फिर राइट डाउन द रोटेशनल ऑर्डर, ये भी अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा, अगली चैप्टर में। तो ये कितनी दफ़ा घूमेगा तो अपनी असली हालत में नज़र आ सकता है, तो यहाँ पे घूम के असली हालत में नहीं नज़र आ सकता, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अपनी असली हालत में नज़र आने के लिए पूरा घूमना पड़ेगा, तो इसलिए डिग्री ऑफ रोटेशन भी एक ही है, रोटेशनल सिमेट्री एक ही है। ऑन अ कॉपी ऑफ ग्रिड अबव ड्रॉ द रोटेशन ऑफ दिस ट्राइंगल अबाउट थ्रू 180 डिग्री, 0 थ्रू 180, रोटेशन करनी है 0 से या O से, इसको आपने बना लिया ग्रिड, और समझ लें कि इसको यूँ घुमाना है आपको, तो एक डब्बा ग्रिड से नीचे है और एक तीन डब्बे ग्रिड से ऊपर है, बस यही ख्याल रखेंगे, एक डब्बा ग्रिड से नीचे है और तीन डब्बे ग्रिड से ऊपर है, तो कुछ ऐसा बन जाएगा जब आप बनाएंगे तो, ठीक है। डिस्क्राइब फुली अनदर सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स दिस ट्राइंगल ऑन योर आंसर फॉर पार्ट डी थ्री, पार्ट डी थ्री, ओके। क्या ये रोटेशन के अलावा भी किसी तरह से पॉसिबल था? तो कह सकते हैं आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते थे, ट्रांसफॉर्म दिस मैप, ट्रांसफॉर्म दैट मैप्स दिस ट्राइंगल ऑन टू योर आंसर, फॉर पार्ट डी। तो रोटेशन के अलावा रिफ्लेक्शन से भी आ सकता है, कह सकते हैं कि अगर इसकी रिफ्लेक्शन ली जाए तो ये ऐसे ही बन जाएगा, और रिफ्लेक्शन जो है किसी लाइन के अगेंस्ट होती है,
तो लाइन जो है वो एक्स एक्सिस अगर लिखा हुआ इन्होंने तो एक्स एक्सिस के अगेंस्ट अगर इसको रिफ्लेक्ट करा लेते तो भी ऐसे ही आ जाता, रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस, या कह सकते हैं रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन वेयर वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, पी एंड क्यू दिया हुआ है, राइट पी प्लस क्यू, तो 2 + 3 5, -3 और 1 2। चलो ये भी हो गया, -2 है। द पॉइंट ओ इज मार्क्ड ऑन द ग्रिड बिलो, ओ मार्क्ड है, ड्रॉ वेक्टर ओ पी वेयर ओ पी इज इक्वल्स टू पी, तो पी इज 2 + में गया है, 3 - में गया है, 1 2 3, तो ये बन गया ओ पी। यहाँ से शुरू हुआ, नीचे की तरफ उतरा, ख़त्म हो गया सवाल। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन ऑन द ग्रिड, ओके ड्रॉ कर लिया ग्रिड पे, फिर क्या करें, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, बच्चों वाला सवाल है। ए के कोऑर्डिनेट्स तो ये रहे -3 और -2, ठीक है, -3 -2, और पूछे जनाब। राइट ए बी एंड बी सी एज कॉलम वेक्टर्स, ए से बी की तरफ जाते हुए, तो 1 2 3 4 दफ़ा एक्स पे जाना है और 1 2 दफ़ा वाई पे जाना है, तो 4 और 2 दोनों पॉजिटिव हैं, और बी सी बी से सी की तरफ जाना है तो 1 2 3 दफ़ा एक्स में उल्टा जाना है और 2 दफ़ा वाई में ऊपर जाना है, तो -3 और 2, ये भी आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट बी, ट्रांसलेट ए बी सी बाय वेक्टर 4 और 3, लेबल इसमें एस टी, किसी एक को भी उठा लें, इसको 4 चला दें, 1 2 3 4, सारे जो नंबर्स हैं वो ग्रिड के बराबर ही हैं, डबल नहीं है, तो ये गड़बड़ नहीं होगी दफा, और 3 नीचे ले आए, 1 2 3, तो ये तो यहाँ आ गया, इसको भी चला लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3, ये यहाँ आ गया, इसको भी चला लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3, ये यहाँ आ गया। चलो भाई, क्योंकि आड़ा टेढ़ा ट्राइंगल है ना, तो इसमें ज़्यादा आसान बेहतर है कि सबको ही चला लो भाई, बन गया भाई। और पूछिए, इसको टी बोल दो भाई, टी बोल दिया। अब फरमा रहे हैं ए पी इज इक्वल्स टू 2AB, 2 × AB, ए बी लिखा था हमने कहीं, ये ए बी है, ये बी सी है, ओके, ए पी इज इक्वल्स टू 2AB और ए क्यू इज इक्वल्स टू 2AC, प्लॉट द पॉइंट्स पी एंड क्यू। देखें, ए से पी की तरफ जाएं तो 2AB होता है, तो 2AB तो बनाओ पहले, 2AB इज इक्वल्स टू 8 और 4, एक्स पे 8 जाना है, वाई पे 4 जाना है, ए पी के लिए एक्स पे 8 जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और वाई पे 4 जाना है, 1 2 3 4, ये बन रहा है पॉइंट पी का, जो यहाँ से हमने निकाला ए पी। तो प्लॉट द पॉइंट्स, पी ये रहा, और क्यू देख लेते हैं कहाँ है, क्यू के लिए, क्यू का क्या बताया था, 2AC है, AC कहाँ गया भाई,
एसी को हमने डिफाइन किया था क्या? ए बी को किया था, बी सी को? अच्छा, एसी को डिफाइन ही नहीं किया, पहले एसी को डिफाइन करो भाई। एसी जो है वो ऐसा है कि एक्स में एक माइनस किया है और वाई में एक दो तीन चार प्लस किया है, तो -1 + 4 ये एसी है। फिर ए क्यू जो है वो 2 AC है, तो 2 AC जो है वो हो गया -2 और 8। तो भाई लो ये भी चेक कर लो, AC -2, यहाँ से माइनस करो, क्या बनाना है हमें? पॉइंट Q बनाना है, विच इज़ -2 और -8। A से ही शुरू करना है, A से ही शुरू करते हैं, -2 और +8। -2 तो ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये रहा, ये पॉइंट आ गया Q, ये पॉइंट आ गया P। डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स ट्राइंगल ए बी सी इंटू ट्राइंगल ए बी क्यू। अब ए बी क्यू बनाओ पहले भाई, ए पी क्यू, और ये बन गया ऑलमोस्ट, समझो ना भाई, सही बन गया, समझ जाए कि सही बन गया। अब कह रहे हैं कि ये ए बी सी से ए पी क्यू कैसे बन सकता है? बड़ा होके ही बन सकता है ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन साफ साफ नजर आ रही है, इनलार्जमेंट है, और इनलार्जमेंट का सेंटर भी आसानी से इसलिए दिख रहा है कि यहाँ पे दोनों एक ही जगह जमे हुए हैं, ऐसा ही दिख रहा है हमें कुछ कुछ। तो अगर इसको इसके साथ मिलाते हुए लाइन बनाएंगे, इसको इसके साथ मिलाते हुए लाइन बनाएंगे, तो ये इनलार्जमेंट जो बन रही है, इनलार्जमेंट जो हो रही है वो यहीं से हो रही है, सर में हमारा क्यू जो है ना वो कुछ सही नहीं बना, तो क्यू को पहले मैं ज़रा सही करूँ अपने, फिर ये सही समझ में आएगी ट्रांसफॉर्मेशन, जो इनलार्जमेंट है ना, क्यू ठीक नहीं बना, क्यू क्यों ठीक नहीं बना, लेट्स सी। यस, समझ में आ गया, ए सी हमने गलत निकाला है, ये यहाँ से यहाँ गया है, तो -1 नहीं है, ये +1 है, बस इसी से सारी गड़बड़ हो गई। कभी कभी एक छोटी सी मिस्टेक जो है पूरे क्वेश्चन को गलत कर देती है, लेकिन आपका अंदाज़े आपको नज़र आ रहा हो ना कि देखो ये शक्ल सही बन नहीं रही, तो आप काफ़ी हद तक करेक्शन कर सकते हैं अपने जवाब की। जैसा भी हमारे साथ हुआ कि हमें ट्राइंगल की शक्ल सही नहीं लग रही थी जो हमने आखिरी बनाया था, तो +1 और 4 था, तो ये -2 नहीं है, ये +2 और 8 है, तो अब यहाँ से जब +2 करेंगे तो इधर जाएगा और 8 करेंगे तो इधर जाएगा, तो क्यों यहाँ बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा। जब क्यों यहाँ बनेगा तो अब जो ट्राइंगल बनेगा वो ये शक्ल बन रही है, अब समझ में आ रही है बात, वरना गड़बड़ वो लग रही थी कुछ। अब आप कह सकते हैं कि इसकी इनलार्जमेंट है, अगर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को एक लाइन से मिलाएं तो यही लाइन बन रही है, इस पॉइंट को एक लाइन से बनाएं तो यही लाइन होगी, सारी लाइनें मिलकर यहाँ कन्वर्ज हो रही हैं, तो इसका मतलब इसी पॉइंट से यही सेंटर है इनलार्जमेंट का, तो दिस इज़ -3 -2, तो इसका जवाब होगा इट इज़ एन इनलार्जमेंट एट द सेंटर -3 -2 विद द स्केल फैक्टर ऑफ, ये 1 2 1 2 3 4 इधर गया, जबकि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गया, तो ये डबल हो गया, ये 1 2 3 4 ऊपर उठा, ये 8 ऊपर उठा हुआ, डबल हो गया, और वो भी हमें ऐसे ही पता है कि ये डबल है, 2 AC और 2 AB है, डबल डबल है लाइनें, तो इसलिए भी हमें वैसे ही पता है कि फैक्टर ऑफ 2 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सी हो गया। इसका डी में फरमा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 के, रोटेट ट्राइंगल एबीसी थ्रू, एबीसी कौन सा वाला है भैया? छोटा वाला ही। ओके, ट्राइंगल एबीसी को रोटेट करें 180 डिग्री अबाउट द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी, लेवल इमेज आ रही है, इसको गायब कर देते हैं, दूसरा बना लेते हैं साफ सुथरा सा। ए बी सी को रोटेट करें
180 डिग्री। अब क्लॉकवाइज करें एंटी क्लॉकवाइज करें एक ही बात है, ए बी के मिड पॉइंट पे, तो ये 1 2 3, तो इसका मिड पॉइंट बनता है कोई ये, ठीक है। इसके मिड पॉइंट पे अब रोटेट करने के लिए आप तो क्या करेंगे, फ़ौरन से निकालेंगे अपना ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर की मदद से रोटेट कर देंगे। मेरे पास है नहीं, मतलब मैं यहाँ पे इस तरह से अप्लाई नहीं कर सकता ट्रेसिंग पेपर, तो मैं आपको फिर वैसे ही करके दिखाऊंगा कि समझ लें कि ये है अगर आपका ग्रेड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, हमने मिड पॉइंट कैसे निकाला कि ए से बी में 1 2 3 4 डब्बे थे, हमने एक्स एक्सिस पे आधे डब्बे कर दिए 2, ए सी में 2 वाई एक्सिस के ऊपर डब्बे जा रहे थे, हमने उसको आधे कर दिया 1, तो खुद ब खुद ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, रोटेट करना है 180। शक्ल देख लीजिए आप, 180 रोटेट होके ये ऐसी हो जाएगी, ऐसा बनना चाहिए आपके पास, एक बना लीजिए। अब मैं इसको पूरा पूरा नहीं बना रहा अपने तौर पर, वाई एक्स एक्सिस पे 2 आगे बढ़ के वाई एक्सिस पे 1 ऊपर उठा हुआ है, ये एक पॉइंट इससे मैच हो गया, फिर दोबारा देखते हैं, बना ही दूँ ना, मतलब फिर आप रोएंगे, 2 यहाँ 1 नीचे, 2 लेफ्ट 1 डाउन, 2 लेफ्ट 1 डाउन है, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, ये रोटेशन है ना, इस रोटेशन से 2 आगे 1 अप, तो अरे भैया ये तो वही आ गई बात, हाँ ना, आइसोसेलिस ट्रायंगल है, पूरा घूम के वापस वहीं आ जाएगा। इतनी मेहनत की उसके बाद बात समझ में आई कि आइसोसेलिस ट्रायंगल है ये, तो रोटेट होके वहीं का वहीं नहीं आ जाएगा 180 डिग्री, अगर यहाँ से रोटेट कराते हैं तो इसमें थोड़ा सा नीचे है बाकी सारा ऊपर है, बस ये हाँ नहीं उल्टा है ना, इसमें थोड़ा सा ऊपर है बाकी सारा नीचे, ये डिफरेंस आ गया, तो ये वाला पॉइंट असल में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, ये यहाँ कहीं आएगा 1 2 3, 1 2 3, 1 एक ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ऐसा बनेगा एक्चुअली, ये बन जाएगा, ठीक है। अच्छा अगेन कुछ शायद अभी भी सही नहीं बना मेरा, आप इसको देख लीजिएगा, इसलिए कि मेरे पास ट्रेसिंग पेपर नहीं है तो मैं अंदाजे से ही बना रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, डन 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 एंड दिस कमिंग टूवर्ड्स द लास्ट फ्यू क्वेश्चंस। ए बी और बी सी दिया हुआ है, ए बी और बी सी को ए सी को एज अ कॉलम वैक्टर रिप्रेजेंट करें, तो दिस इज ए बी प्लस बी सी इजिकल्स टू ए सी इजिकल्स टू 8 और 6 14 और 0 हो गया रिप्रेजेंट, सी डी -11 और एच है, ओके फिर क्या करें, पूछ रहे हैं फाइंड टू पॉसिबल वैल्यू ऑफ एच विच विल मेक ए बी सी डी आर ट्रेपेजियम, ओके इसको प्लॉट करना पड़ेगा, यू मे यूज स्क्वायर पेपर, हाँ देखा ना इन्होंने खुद कह दिया प्लॉट करना पड़ेगा, तो स्क्वायर पेपर है हमारे पास, ले आते हैं डुप्लीकेट, ये हम यहाँ ले आते हैं, ज़रा याद करते हैं, इट इज गिवन दैट सी डी इज -11 और एच, ए बी मौजूद है, सॉरी ए बी मौजूद है
BC मौजूद है और AC मौजूद है। AB BC AC, CD रह गई है। अब CD क्या होगी कि ट्रेपेजियम बनेगा। किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, वहां से AB लेते हैं। ये खोलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बीच से 8, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक पॉइंट हो गया, 8 है और -4 है, 1 2 3 4, तो ये बन गया AB। BC है 6 और 4, B से C की तरफ गए, 6 प्लस किए X में, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ये बन गया BC। फिर AB C, फिर रह गया आपका AC। AC तो वैसे हमें पता है, हमने निकाला 14 और 0, देख भी लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब पूछ रहे हैं कि CD, सी से डी की तरफ जाना है, एक वैल्यू तो दी हुई है इन्होंने हमें, -11, एक्स तो -11 चलाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इस लाइन पे कहीं एक्स है, एक्स तो यहाँ तक कहीं आ रहा है, वाई यहाँ भी हो सकता है, 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 वो कौन सी वैल्यू वाई की होगी। अब देखिए कितनी मज़ेदार सी इसमें सिचुएशन इन्होंने हमें दी है, इंटरेस्टिंग सवाल बना के दिया है। पूछ रहे हैं कि एक्स की वैल्यू तो आपके पास पता है, ये वैल्यू क्या रखें, यानी वाई की वैल्यू क्या रखें कि ABCD एक ट्रेपेजियम हो जाए। ठीक है, तो वापस खोलें इसको, इसको बंद करें। अब यहाँ से अगर मैं 2 ऊपर जाता हूँ, ठीक है, 11 पीछे आया, 2 ऊपर जाता हूँ प्लस में, तो ये बनेगी शक्ल ऐसी। ठीक है, या मैं यहाँ से 4 ऊपर चले जाता हूँ तो ये शक्ल बनेगी ऐसी। अब सवाल ये है कि मैं किस तरह से ऊपर जाऊँ, या फिर मैं यहाँ से 5 ऊपर जाता हूँ तो शक्ल बनेगी ऐसी। तो ट्रिपीजियम के क्या फॉर्मूला है, ट्रिपीजियम का फॉर्मूला ये है कि अपोजिट साइड्स दो पैरेलल होनी चाहिए और दो साइड्स पैरेलल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। अब ये देखिए आप साहब, ज़रा ऐसा वापस करते हैं ये सारी लाइनें, ये कि अगर ये पॉइंट मैं ऐसे बनाऊं कि जिस स्लोप से ये लाइन जा रही है उसी स्लोप से ये लाइन आ जाए, तो फिर मसला हल हो जाएगा, अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएंगी। इसका स्लोप है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, तो 4:2, यानी x 6 आगे बढ़ता है तो y 4 आगे बढ़ता है, तो यानी अगर ये 3 आगे बढ़ा तो ये 2 आगे बढ़ना चाहिए था, तो ये लाइन जो बनेगी वो इसके पैरेलल हो जाएगी। तो 2 एक वैल्यू हो सकती है, क्योंकि ये 1 2 3 आगे बढ़ा तो ये 2 आगे बढ़ जाएगा, ये इसको मिला देंगे, ट्रेपीजियम बन जाएगा।
ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी मज़ेदार सवाल था कि ट्रिपीजियम का जो फार्मूला है वो पैरेलल होना चाहिए। अच्छा, एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि इसके पैरेलल निकल के आ जाए ये लाइन, तो अब ये लाइन इसके पैरेलल कब होगी, तो इसका स्लोप मालूम कर लो भैया, ये 1 2 3 4 है और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 1/2 स्लोप है इसका, समझ लें माइनस में कर लें। अब इसका स्लोप भी 1/2 कब हो सकता है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 है तो इसका आधा होता है 5.5, तो 1 2 3 4 5 5.5, यहाँ अगर मैं लगाता हूँ अब ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, ये चाहे आड़ी टेढ़ी भी आ जाए, दो अपोजिट लाइन पैरेलल होनी चाहिए तो ट्रेपेज़ियम बन जाएगा। तो ये दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, या तो 2 हो तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी, या 5.5 हो तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी। था ना मज़ेदार सवाल, आसान नहीं था ये सवाल, पूरे चैप्टर में सिर्फ यही एक सवाल आया है जो थोड़ा सा इमेजिनेशन रिक्वायर कर रहा था हमारी ज़्यादा, अदरवाइज तो आसान था चैप्टर। ठीक है, फिर अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है जी, OP इज इक्वल्स टू P, कहाँ गया भाई, ये क्या बात हुई, अच्छा स्मॉल P और कैपिटल P, ओके, OP जो है वो P है और OQ जो है वो Q है, ठीक है, OP जो है वो P है और OQ जो है वो Q है। अब OR जो है, OR, R कहाँ है, R नहीं है, P माइनस Q है, अब P माइनस Q को पहले तो आप निकालिए, OP है 1 2 3 4 और 0, OQ है 0 और 2 क्योंकि x एक्सिस में नहीं बढ़ा, y एक्सिस में बढ़ गया। अब ओ आर जो है वो पी माइनस क्यू है, तो अब आप मार्क कीजिए इस पॉइंट को एक्सिस के ऊपर, सो आर इज 4 आगे जाएगा ओ से, 1 2 3 4, और 2 नीचे आएगा, 1 2 यहाँ कहीं आर आ जाएगा, पी माइनस क्यू, ठीक है, ये बन गया आर का पॉइंट। पॉइंट एस इज शोन ऑन द ग्रिड गिवन दैट ओ एस इज क्यू प्लस एच पी, पहले तो देखो ओ एस है कितना, ओ एस इज 1 2 3 -3 +2, सो ओ एस इज इक्वल्स टू -3 और 2। अब ओ एस इज इक्वल्स टू -3 और +2 जो के बराबर है क्यू प्लस एच पी के, अब पहले ये करते हैं -3 और 2 जो है वो बराबर है क्यू, क्यू कहाँ है अभी, क्यू कहाँ है, क्यू कहाँ है, क्यू ये रहा, क्यू यानी 0 और 2 प्लस एच इंटू पी, पी कहाँ है, 4,0 कॉमा नहीं है भाई, वेक्टर है, बस इसमें से एच की वैल्यू निकालनी है, इसमें क्या मसला है, -3 और 2 बराबर है 0 2 प्लस 4h, और ये h और 0 मिलके 0 ही हो गया, अब ऐड कर लो, -3 बराबर है 4h और 2 बराबर है 2 के, तो -3 इक्वल्स टू 4h, h इज इक्वल्स टू -3/4। ठीक है, तो ये हो गया सवाल नंबर 12,
गंदा सुंदा कर दिया, थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी से सफाई कर लें इसकी। जी तब तक हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द डायग्राम शोज ट्राइंगल ए एंड बी और असल में वो जगह नहीं दी थी ना, इसलिए गंदा हो गया था। अब ठीक है, ट्राइंगल ए एंड बी द ट्रांजिशन -3 और 2 मैप्स ए ऑन टू सी, सी तो है नहीं, सी बनाना पड़ेगा। ऑन अ कॉपी ऑफ द डायग्राम ड्रॉ एंड लेबल ट्राइंगल सी। अब ट्रांसलेट किया है, ऐसे कैसे उठा के रख दिया है, किसी एक पॉइंट से ट्रांसलेट हो जाएगा ये। अच्छा, हर डब्बा एक एक है, डबल नहीं है, ठीक है, एक नंबर का एक डब्बा है, एक एक नंबर के पीछे दो डब्बे नहीं है। अच्छा जी, 3 और 2 से करते हैं। 3 का मतलब, -3 का मतलब 1 2 3, और 2 का मतलब हुआ 1 2। ये पॉइंट तो आ गया इधर, अब यहाँ से एक ऊपर गया, यहाँ से 2 लेफ्ट पे आए, एक पॉइंट की ट्रांसलेशन से काम हो गया। इसका नाम क्या दिया हमने, ये क्वेश्चन नंबर 13। इसका नाम क्या दिया हमने, इसका नाम दिया हमने, कहीं लिखा है उन्होंने, सी, सी दे दिया। अब क्या कह रहे हैं, हो गया। द रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज सेंटर 2,0 मैप्स ए इंटू डी, डी पे मैप करता है क्लॉकवाइज रोटेशन 2,0 से। 2,0 ये रहा पॉइंट, ये रही एक्सिस। अब आप तो अपने ट्रेसिंग पेपर से करेंगे। 90 डिग्री, मैं तो इसको यूं घुमा के देखता हूँ, तो ये नीचे वाला बनता है ऐसा, यूं बन जाता है। ये क्या नाम कहलाएगा, डी, ये डी हो गया। फिर क्या करूं, डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए ऑन टू बी। अच्छा, डी और सी का काम ही कोई नहीं है यार, ये तो बहुत आसान है। ये रही ये वाली लाइन जो कि 0 की लाइन है, इसमें से ये मिरर हो रहा है, तो बहुत आसान सी बात है। रिफ्लेक्शन इन द लाइन दैट इज इक्वल्स टू, अच्छा ये इस लाइन से हो रहा है, ये रही ओरिजिन, ओरिजिन से नहीं हो रहा, इनके बराबर वाली लाइन से हो रहा है, वाई एक्सिस के बराबर वाली लाइन से हो रहा है, वेयर एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो इट इज रिफ्लेक्शन इन द लाइन एक्स इज इक्वल्स टू 1, इन द लाइन एक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, और कुछ, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, कितना रह गया भाई, 13 रह गया, 14, बस आखिरी सवाल है। वाह भाई वाह, इतनी जल्दी एक्सरसाइज ख़त्म, अभी तो 1 घंटे की ही हुई है वीडियो खाली। ओके, कौन हंसा, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है जनाब, ग्रिड बता रही है पॉइंट पी जो कि 1,2 है, और पॉइंट क्यू जो कि -7,4 है। पी कैन बी मैप्ड ऑन टू क्यू बाय ट्रांसलेशन, बाय अ ट्रांसलेशन राइट डाउन इट्स कॉलम वेक्टर। पी से क्यू जाने के लिए एक्स को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दफ़ा माइनस में जाना पड़ेगा, और वाई को 1, 2, 3 दफ़ा प्लस में जाना पड़ेगा। लो भाई लिख दिया, 2 दफ़ा, ये लिख दिया। और पूछो भाई, पूछते जाओ, आसान है। पी कैन ऑल्सो मैप ऑन टू क्यू बाय एन इनलार्जमेंट सेंटर 5,1। पहले तो 5,1 को सेंटर रखो, 5,1 ये है सेंटर, यहाँ से इनलार्ज किया तो ये 1, 2, 3, 4 एक्स से और 1 वाई था, जबकि वहाँ तक जाते जाते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एक्स हो गए, तो ये 3 टाइम्स बढ़ा, तो ये भी 3 टाइम्स बढ़ा होगा, 1, 2, 3, जी हाँ ये भी 3 टाइम्स बढ़ा। तो राइट डाउन द फैक्टर, फैक्टर 3 है जी, फैक्टर 3 है, फैक्टर ऑफ 3 ये रहा 1, 2, 3, 4, 4:12।
चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, ग्यारह, बारह। ठीक है, आगे चलें। ये खोलते हैं, ये बंद करते हैं। चलो ये अच्छा है कि सवाल दूसरा आ गया। द डायग्राम शोज ट्राइंगल ए और बी, डिस्क्राइब फुल्ली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। ये यहाँ से घूम के आएगा, नहीं मिरर लग रहा है यार ये मुझे, ये मुझे रिफ्लेक्शन लग रही है, और ये मुझे यहाँ से एक नहीं, यहाँ से ये एक दो, एक दो तीन, ठीक है, यहाँ से एक दो तीन, एक दो, हाँ, तो मुझे ये इस एक्स एक्सिस, ये अपना ओरिजिन से ही रिफ्लेक्शन लग रही है। आप लोग तो पता है ना, फ़ौरन ही वो निकालेंगे, अपना ट्रेसिंग पेपर निकाल के घुमा के देख लेंगे, ये दोनों ट्रेस करेंगे और देख लेंगे कि किस कहाँ से पकड़ के घुमाने पे ऐसा बन रहा है। तो मैं तो अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ कि ये इस लाइन से घूम रहा है, ये है वो लाइन, ये है वो पॉइंट, घूम नहीं रहा, सॉरी, रिफ्लेक्ट कर रहा है। अच्छा, रिफ्लेक्ट करने में क्या होता है कि आप डायगनली देख लेते हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम डिस्टेंस पे हैं कि नहीं है, इस लाइन से ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम डिस्टेंस पे हैं कि नहीं है। तो एक दो तीन, एक दो तीन, बिल्कुल तो सही है। फिर एक दो ढाई, एक दो ढाई, सही है ना, ठीक बन रहा है। तो ये हम इसका जवाब क्या देंगे, इट इज़ अ रिफ्लेक्शन इन द लाइन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वन। नहीं, इन द लाइन, दिस लाइन, ये तो लाइन है, वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, क्योंकि स्लोप उल्टा है ना, ये लाइन होती है वाई इज इक्वल्स टू एक्स, ये लाइन होती है वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, अगर जीरो से भी ज़्यादा ही होता है, वाई बढ़ रहा है और एक्स कम हो रहा है। ठीक है, तो ये फुली डिस्क्रिप्शन हो गई ए इंटू बी। फिर पूछिए, ट्राइंगल ए कैन ऑल्सो बी मैप्ड, ट्राइंगल ए कैन ऑल्सो बी मैप्ड टू ट्राइंगल बी बाय रिफ्लेक्शन इन द लाइन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन फॉलोड बाय अ रोटेशन। अगर इसको रोटेट करके एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन कहाँ गई, ये रही लाइन, ये है वो लाइन, नहीं हाँ, ये तो वाई इज इक्वल्स टू माइनस वन की लाइन है, इसको ज़रा गायब करते हैं ना ताकि साफ नज़र आए। ओके, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन की ये लाइन है, ये फरमा रहे हैं कि एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन की लाइन में भी ए को बी बनाया जा सकता है, लेकिन शर्त ये है कि उससे पहले ए को कुछ और किया जाए। तो आप देखें ना, अगर ए यहाँ होगा तो रिफ्लेक्ट होके बी में कैसे जाएगा, इस लाइन पे बी की रिफ्लेक्शन तो ये बन रही है, एक दो तीन, एक दो तीन, ये बन रही है, यहाँ पे ए होता तो रिफ्लेक्ट होके बी पे जाता इस लाइन के अगेंस्ट। अब यहाँ पे कैसे आएगा ये सोच लीजिए, वो क्या रोटेशन करेंगे कि ये घूम के यहाँ पे आ जाए, ये घूम के यहाँ पे आ जाए। फिर आप ट्रेसिंग पेपर निकालिए अपना, ये तो पता चल गया कि आपको लाना कहाँ है, ट्रेसिंग पेपर निकाल लीजिए। तो ये रोटेट होके मेरा जो अंदाज़ा बन रहा है, ये देखिए कहाँ से घुमाना पड़ेगा, ये देख लेते हैं इसको कि कमोबेश ये यहीं से घुमा सकते हैं इसको। ठीक है, ये घुमा सकते हैं इसको यहाँ से। अभी आप ट्रेसिंग पेपर पर रख के देखिएगा कि कहाँ से रख के इसको, किस जगह पकड़ के इसको घुमाएंगे तो ये घूम के वहाँ आ जाएगा। घुमाएंगे कितना, तो वो तो 90 डिग्री घुमाएंगे, घुमाएंगे कौन से वाइज, क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे, ये तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि रोटेट करना है इसको, लेकिन सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा ये आपने ट्रेसिंग पेपर से ही निकाल सकते हैं, यहाँ कहीं शायद आएगा।
नहीं यहाँ नहीं, यहाँ कहीं आएगा शायद। वो आप देखिएगा जहाँ रख के ज़्यादा सही रोटेट हो के अपनी जगह पे आ रहा हो तो कर लीजिएगा। यूँ हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली जनाब, चैप्टर ही कंप्लीट कर लिया बल्कि। तो उम्मीद है कि पूरी एक्सरसाइज और पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसको फटाफट कीजिए ताकि जब तक हम अगले चैप्टर की वीडियो बना रहे हैं तो आप वो भी जल्दी से शुरू कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।